हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे फोर्थ व्लॉग में। आज मैं आपको अपना न्यू घर दिखाने वाला हूँ। इसका भी काम चल रहा है, अभी लिपाई हुई है पूरी, कंप्लीट कर ली हुई थी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना घर न्यू वाला। ये हमारा बनने जा रहा है न्यू घर। अभी इसकी सीमेंट वीमेंट की लिपाई पाई तो हो गई है। अब मैं आपको अंदर से जाके दिखा देता हूँ। ये है बाहर से ये लुकिंग है इसकी। ये है रोड, ये रोड है यहाँ पे 20 फुट की रोड है ये। इधर सामने खेत ही खेत है, लोकेशन ठीक है फसलों में। और यहाँ पे तो डंडे हुए हैं, यहाँ पे तो पीछे मकान बन रहे हैं। और मैं आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ का मेन गेट है। ये मेन गेट है इसका। और अभी काम पूरा तो हुआ नहीं है इसका, तो ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, ये बाद में जाएंगे अपन। पहले यार मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, ये देखो क्या लगा हुआ है। तो फिर चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। ओ तेरी, मैं गिर जाता अभी, बच गया। तो ये देखो, ये तो यहाँ पे चौक हो गया, ये वाला चौक हो गया। और ये मैं पीछे की साइड, ये यहाँ पे रसोई है, यहाँ पे मम्मी हमें खाना वाना बनाएगी। ये रसोई हो गई यहाँ पे। और इसके जस्ट पास वाला रूम ये हो गया। अभी यार अंधेरा होगा, मैं नहीं इसमें अंधेरा होगा। ये रूम है यहाँ पे, स्टडी रूम बोल सकते हो आप इसको। और इसके जस्ट पास वाला रूम ये हमारे, ये तो किचन हो गया। किचन है या इस किचन में यहाँ पे विंडो दे रखी है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे विंडो दे रखी है मस्तवाने के लिए। और ये मेन गेट है इधर वाला। तो ये स्टडी रूम हो गया अपना, स्टडी रूम है। अंदर जाके दिखाता हूँ। अभी क्या है ना, अभी काम बाकी है इसका, तो अभी इतना ही हुआ है, अब चलाएंगे इसको फिर से काम। तो एक ये रूम है, ये मेरे मम्मी पापा का रूम हो गया, कोई भी ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके अटैच में ये लेटरिन बाथरूम, और मेरा सबसे फेवरेट रूम ये वाला, सबसे मस्त रूम। इसे मैंने सब कुछ दिला दिया यहाँ पे। और ये देखो लोकेशन, यहाँ से कितनी मस्त आ रही है, देखो लोकेशन अच्छी है यहाँ पे। फसल उगेगी तब और भी मस्त लगेगी। यहाँ पे देखो ये विंडो दिला रखी है यहाँ पे हमने। और ये इतना बड़ा रूम हो गया अभी इसमें। अभी काम वाम चलेगा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इधर हमने एसी के सपोर्ट दिलाते हैं यहाँ पे। और तो मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ। सर्दी लग रही है क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। और फिर मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर, तुम्हारा भाई जा रहा है अभी ऊपर सीढ़ियों से, वो वाला ऊपर नहीं, ऐसे ऊपर। ये है रूम, ये है वो सीढ़िया, चलते अपन ऊपर। यहाँ पे ये वो दे रखी है हमने, कांच वाच लगेंगे यहाँ पे। अभी कांच वाच के अभी पूरे काम बाकी है, कांच तो क्या लगेंगे। ये देखो लोकेशन यहाँ पे, अभी अंदर चल रहे हैं अपन इसके। छड़े जाओ। आधी जिंदगी तो छड़ने में ही लग जाएगी दोनों घरों में। अपन छड़ रहे हैं सीढ़ियों में। फिर जैसे अपन यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे छत है, यहाँ पे छत खुली है आराम से। और ये पीछे की साइड हमारा दूसरा होम है, ये वाला पीछे वाला। और ये भी वही है, सेम नक्शा है, ऊपर अटैच में लेटरिन बाथरूम, और यही वो रूम सेम टू सेम वाला। कितना मस्त रूम है, सब मेरा फेवरेट रूम, मैं यही लूँगा रूम ऊपर वाला ही। मैं मेरा भाई यही रहेंगे हम, कभी वहाँ पे कभी यहीं पे। तो ये हो गया, देखो विंडो वो हो गई सेम टू सेम, लोकेशन अच्छी है ना। देखो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ बाहर की, देखो कितनी मस्त लोकेशन है, ये ऐसे दिखा रखा है। देखो उस साइड तो टोल है, वाटर पार्क है, उस तरफ वो टोल टाल है, यहाँ पे हाईवे के पास में ही है, या दूर नहीं स्टैंड भी पास में ही है। और ये सामने से तो ऐसे दिखता ही आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप गाड़ी, यहाँ पे
यहाँ पे मैं मेरी वाइफ, यहाँ पे मैं मेरी वाइफ दोनों बैठ के करेंगे बातें। छुट्टी आएगी तो। और ये यहाँ पे देखो, ये पानी भरा हो यहाँ पे, कोई गिर जाए सर्दियों में तो भाई टूट जाए उसके तो। ये देखो, इसका काम होते ही फिर उसका काम चलेगा पूरा कंप्लीट होते ही। इसका काम होते ही इसका काम चला देंगे हम। और ये देखो, ये लाइब्रेरी है यहाँ पे। और सामने ये देखो हाईवे है इधर, ये वाटर पार्क वगैरह ये। और इधर ये है, और ये हुआ पीछे कॉलेज। तो मैं आपको घर तो दिखा दी हूँ, अब सर्दी लग रही है, मैं जाऊँगा नीचे। उससे पहले मैं अपने यहाँ पे एक डॉगी रहता है, उसको मैं हमेशा रोटी डालता हूँ, कभी बिस्किट कभी कुछ, वो दिख रहा नहीं है तो मैं उसको दिखते ही बिस्किट डाल दूँगा। देखता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे था ही नहीं, वो दिख जाएगा तो डाल दूँगा उसको मैं। अभी ढूँढ रहा हूँ डेल, सबको डालनी चाहिए, जानवरों की हेल्प करनी चाहिए सबको। एक रोटी में एक क्या होता है डालने में, अभी डॉगी को ढूंढूंगा मैं। अब मैं जा रहा हूँ नीचे सीढ़ियों से, सीढ़ियों जाके सर्दी हो जाते हैं यहाँ पे, क्या खुला एरिया तो फिर सर्दी रहती है। वैसे भी आपको बताइए गाँव में तो बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, क्योंकि खुला इलाका है ना यहाँ पे, उस सिटी में थोड़ा वैसा। हेलो भाई, तो अपन चलते हैं यहाँ से, देखते हैं एक डॉगी कहाँ मिलता है। डॉगी तो दिख रहा है नहीं, मैं उसके लिए बिस्किट लेके आया था, पे मैं ना खा जाऊँ, मेरे को जरूर भूख लग रही है, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा तो फिर मैं खा लूँगा उसको, दूसरे ला दूँगा फिर मैं 20 वाले। तो यार वो दिख रहा ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हमारे घर में। देखो ये रहा हमारा घर, यहाँ पे ये हमारा घर है ये वाला। इसका भी काम पूरा नहीं हुआ, दोनों का काम पूरा नहीं हुआ, अब चल अब कराएंगे पूरा काम दोनों का, उसका होता ही कंप्लीट फिर इसका चलाएंगे। बहुत देर बाद ये हमारे ये कालू जी महाराज सोते हैं, आराम से सो रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है ना पढ़ाई ना लिखाई, बस ये उनकी बंदी लेट रही है। देखो यहाँ पे इसके भी मौज है जिंदगी में। इनको अपन बिस्किट डालेंगे, बिस्किट डालने के बाद ये मेम खेलेंगे, बिस्किट डाल देना चाहिए यार इनका। ये देख सकते हो कितनी भूख लग रही है इसको, ये हमारी राम प्यारी, इसका बंदा देखो ये रहा, ये बेचारा बेरोजगार है, ये बेरोजगार है देखो, ये दूर ही बैठे। ये देखो ये, इसको डालते अपन एक क्रेक जैक। अरे रुक जा, इसको डाल देते हैं यहाँ पे, इसको ये डाल देते हैं। ये देखो खा रहा नहीं है, इसकी जर रही नहीं है अभी, फिर वो आ जाएगी तब इसके और नहीं जरेगी। कालू बेटे, कालू ये सारा दिन यहीं पे रहता है, लड़कियाँ छेड़ता ही अपनी बिरादरी की। चलो चलते हैं, ये इनको बिस्कुट क्या बिस्किट। तो अपन हम जा रहे हैं घर में, खाना खाऊंगा मैं, गेम खेलूंगा, फिर सोऊंगा थोड़ी देर, फिर अगले